नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूं बिल वाइज डिटेल के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हमारे पास चार मेथड होते हैं पेमेंट ऑफ एडजस्टमेंट के, जिसमें सबसे पहला हमारा मेथड है न्यू रेफरेंस, दूसरा है हमारा अगेंस्ट रेफरेंस, तीसरा है हमारा एडवांस और चौथा है ऑन अकाउंट। तो अगर हम बात करें न्यू रेफरेंस की, तो न्यू रेफरेंस का यूज किया जाता है आपका परचेज एंट्री और सेल एंट्री के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे व्हेन यू बाय और सेल गुड्स फ्रॉम अ पार्टी, अगर आप किसी पार्टी से किसी गुड्स को परचेज या सेल करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हम यूज करते हैं न्यू रेफरेंस का। और इसके बाद अगर हम बात करें अगेंस्ट रेफरेंस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हेन यू ट्रांजैक्ट अगेंस्ट अ पार्टी, यानी कि जिस पार्टी से आपने गुड्स को परचेज या सेल कर रखा है उस पार्टी को अगर आप पेमेंट करते हैं या उससे पैसा रिसीव करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका यूज किया जाता है अगेंस्ट रेफरेंस, जिसका यूज आप परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के अंदर भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एडवांस की, तो एडवांस का यूज किया जाता है अगर आप किसी पार्टी से एडवांस पैसा ले लेते हैं किसी गुड्स के लिए, तो वो आपका यूज किया जाता है रिसीप्ट एंट्री के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है व्हेन यू रिसीव मनी इन एडवांस फ्रॉम अ पार्टी। इसके बाद अगर हम बात करें ऑन अकाउंट्स की, तो ऑन अकाउंट्स के अंदर पेमेंट एंट्री होती है व्हेन योर पेमेंट इज डिसऑनर्ड अगेंस्ट व्हिच यू इम्पोज एक्स्ट्रा पेनल्टी और चार्जेस। इसका कहने का सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई पार्टी आपको पेमेंट करती है बाय चेक के माध्यम से, तो आपको दो दिन बाद पता चलता है कि वो आपका जो चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो उस सिचुएशन में आप उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, चार्जेस लगा सकते हैं, तो उसकी एंट्री हम पास करते हैं पेमेंट एंट्री के अंदर, जिसको हमें ऑन अकाउंट्स के अंदर रखना होता है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं टैली प्राइम के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। अब सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं बिल वाइज डिटेल्स की नाम से। इसके बाद आप एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद बाकी फर्दर डिटेल्स आप फिल कर लीजिएगा। मैं इसको सिंपल एंटर करके सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा आपका अनेबल बिल वाइज एंट्री। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट टैली प्राइम इसको यस रखता है, तो हमें इसे यस रहने देना है और उसके बाद हम इसे कंट्रोल ए करके सेव करा देंगे। सेव करने के बाद अब हम जाएंगे सीधे वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर जाने के बाद अब इसके अंदर हम सबसे पहले न्यू रेफरेंस का यूज करके देखते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा F9 यानी परचेज वाउचर के अंदर। यहाँ पर हम किसी गुड्स को परचेज करेंगे, तो यहाँ पर अपने सप्लाई इनवॉइस नंबर जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, तो मैंने ले लिया 01। और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी डेट देनी है वो डेट दे दीजिए। और यहाँ पर हम पार्टी का नाम ले लेते हैं, आपको ऑल्ट सी करना है और यहाँ पर एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेना है, जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ आदित्य कॉर्पोरेशन के नाम से, और इसको अंडर ऑफ डाल दूंगा सिंडिकेटर के अंदर। सिंडिकेटर के अंदर डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपका आएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको यस रहने देना है। आपको इसे सिंपल एंटर करके सेव करा देना है और कंट्रोल ए कर देना है क्विक क्रिएशन। इसके बाद यहाँ पर भी हम कंट्रोल ए कर देंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल ए कर देंगे। यहाँ पर आपको एक लेजर और क्रिएट करना होगा परचेज का, तो यहाँ पर हम परचेज का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। परचेज का लेजर क्रिएट करने के बाद आप इसे भी अंडर ऑफ डाल देंगे परचेज अकाउंट के अंदर और यहाँ पर आपको इसको सिंपल एंटर एंटर करके सेव करा देना है। सेव कराने के बाद यहाँ पर आपको आइटम का नेम देना होगा, तो आइटम के लिए भी आप यहाँ पर प्रेस करेंगे ऑल्ट सी और यहाँ पर कोई आइटम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्रिएट किया J7 और J7 का अगर आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं सिंपल इसको एंटर करके सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इसको अंडर ऑफ डाल देंगे जिसका ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये सैमसंग का प्रोडक्ट है, तो हम इसको सैमसंग के एंटर रखते हैं और इसके बाद इसको हम एंटर एंटर करके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आप यूनिट्स ले लीजिए, तो यूनिट्स हमारा ये PCS है, तो हम यहाँ पर यूनिट्स PCS रखते हैं और यहाँ पर आप इसको PCS में डाल दीजिए और इसको सिंपल एंटर करके सेव कर दीजिए। और यहाँ पर आपको इसे भी सिंपल एंटर एंटर करके सेव कर देना है और यहाँ पर आप अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं। हम इसे सिंपल एंटर करके सेव कर रहे हैं और यहाँ पर आप क्वांटिटी दे दीजिए कि कितना पीस आप परचेज कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने दे दिया 10 पीस, मैं 10 पीस परचेज कर रहा हूँ, इसका जो रेट है वो 12,000 है, तो 12,000 के हिसाब से 120,000 रुपये का जो गुड्स है वो मैं परचेज कर रहा हूँ। परचेज करने के बाद जब मैं एंटर प्रेस करके यहाँ पर नीचे आऊँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा प्रोवाइड GST ईवे बिल का ऑप्शन, तो इसको हमें नो रखना है। नो रखने के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो मेथड है आपके सामने शो अप हो गया। ये बाय डिफॉल्ट आपका न्यू रेफरेंस ले लेगा, तो हम इसे न्यू रेफरेंस के अंदर ही रखेंगे क्योंकि हम इसे अभी परचेज कर रहे हैं। सिंपल यहाँ पर आपको इसको एंटर करके सेव कर देना है। अब आपको जाना है F5 पेमेंट वाउचर के अंदर और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अगेंस्ट रेफरेंस का किस तरीके से यूज किया जाता है।
इससे पहले हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। आप चले जाइए अपनी बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर अगर आप अपनी करंट एसेट्स देखेंगे तो आप देखेंगे 120,000 रुपए का आपके पास स्टॉक आ चुका है। और उसके बाद अगर हम जाते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट लायबिलिटी आपकी 120,000 रुपए शो हो रही है आदित्य कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट। तो आप इसको स्कैप करके पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद वाउचर्स में चले जाइए। वाउचर्स में जाने के बाद पेमेंट वाउचर में आ जाइए। पेमेंट वाउचर में आने के बाद यहाँ पर आपको पार्टी का नाम रखना है, और पार्टी का नाम रखने के बाद कितना पैसा आप आदित्य कॉर्पोरेशन को पे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं जैसे 20,000, मैं अभी इसको पे कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 20,000 दे देता हूँ। 20,000 देने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने शो अप हो गया अगेंस्ट रेफरेंस, यानी किसके अगेंस्ट आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो हम पेमेंट कर रहे हैं जो हमने पहला वाला बिल, यानी जो हमारा पेंडिंग बिल अमाउंट था 01 का, हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 01 ही रखना है, सिंपल एंटर करके इसको सेव कर देना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आदित्य कॉर्पोरेशन को हमने 20,000 की पेमेंट कर दी। अब उसको हमें जो देना है 1,00,000 रुपीज देना है, और हमने 20,000 की पेमेंट इसके अगेंस्ट इसको कर दी है। और यहाँ पर आप जाकर के यहाँ ले लीजिए कैश कि आप किसके माध्यम से दे रहे हैं। तो कैश के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पर इसे सिंपल एंटर करके सेव कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर एक वार्निंग आ गई हमारे पास नेगेटिव कैश की, क्योंकि हमारे पास कैश है नहीं और हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम इसे सिंपल एंटर करके सेव कर देते हैं। तो हमारा ये हो गया पेमेंट और इसके साथ परचेज। अब इसी तरीके से मैं आपको सेल की एंट्री करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अगेंस्ट आप किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं पेमेंट को। तो इसके लिए आप चले जाएंगे F8 सेल वाउचर के अंदर, और यहाँ पर एक पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ दीपक के नाम से, इसको अंडर ऑफ डाल दूंगा सेंडी डेबिटर के, क्योंकि ये मेरा कस्टमर है। यहाँ पर आप देखेंगे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको यस रहने देना है। कंट्रोल ए करके आपको इसको सेव कराना है। सेव करने के बाद यहाँ पर भी आपको कंट्रोल ए करके सेव करा देना है। यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना है सेल्स अकाउंट का, या आप सेल्स अकाउंट का एक लेजर क्रिएट कर लीजिए इस तरीके से। और सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट करने के बाद इसको अंडर ऑफ डाल दीजिए सेल्स अकाउंट के अंदर, और सेल्स अकाउंट के अंदर डालने के बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्या लेना है, गुड्स लेना है, जो भी आप गुड्स या सर्विस सेल कर रहे हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे गुड्स, और इसको सिंपल एंटर करके हम लोग सेव करा देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर जो भी आइटम आप सेल कर रहे हैं उस आइटम को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे इस पे हमें GST भी लगानी है, GST के साथ हम इसको सेल करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक काम करना होगा, इसी के ऊपर आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एंटर, और यहाँ से आपको आना होगा अंडर ऑफ सैमसंग के, और सैमसंग के अंदर आकर के आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना होगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखेंगे GST डिटेल का सेट अल्टर GST डिटेल, आपको इसको यस कराना होगा। यस कराने के बाद आपको यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दे देना है, यानी ये आइटम क्या है। तो हम दे देते हैं ये एक मोबाइल है, और इसके बाद एंटर करके आप इसका जो भी HSN नंबर है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। यहाँ पर एंटर करके आप नीचे आ जाइए, टैक्सेबल ले लीजिए, और जितना टैक्स लग रहा है इसके ऊपर वो टैक्स यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो मैंने ले लिया 18%, और यहाँ पर मैं इसको सिंपल सेव कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर एंटर करिए, और यहाँ पर क्वांटिटी डाल दीजिए, मान लीजिए 5 पीस मैं सेल कर रहा हूँ। रेट क्या है मेरा, तो रेट है मेरा 15,000 मान लीजिए, और इसके बाद मैं इसको एंटर करके सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको एक लेजर क्रिएट करना है SGST के नाम से। तो यहाँ पर मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ SGST के नाम से, इसे डाल दूंगा मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाने के बाद यहाँ से आप GST ले लेंगे, सेंट्रल टैक्स ले लेंगे, और यहाँ पर आपको सिंपल एंटर करके सेव करा देना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे आपका SGST टैक्स यहाँ पर शो हो गया। फिर से आप ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पर आप ले लेंगे CGST। CGST लेने के बाद इसको भी सेम इसी तरीके से ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे, GST लेंगे, और यहाँ से ले लेंगे सेंट्रल टैक्स, और उसको भी आप सिंपल एंटर एंटर करके सेव करा देंगे। तो हमारा ये टैक्सेशन यहाँ पर शो अप हो गया, हम इसको सिंपल यहाँ पर नो रखते हुए एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप देखेंगे न्यू रेफरेंस आ गया हमारा, क्योंकि हमारी एक नई फ्रेश एंट्री है, तो इसको हम न्यू रेफरेंस में रखेंगे। और किसके अगेंस्ट है, बिल वन के अगेंस्ट है, तो हम इसको सिंपल एंटर करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो बिल नंबर था वो 1 है, तो हम इसे 1 रहने देंगे, इसको सिंपल एंटर करके हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कैसे कर सकते हैं। तो हम चले जाते हैं F6 के अंदर, और F6 में जाने के बाद यहाँ पर आपको लेना है पार्टी का नाम जिससे आप पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दीपक है जिससे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दीपक को सिलेक्ट करना है। दीपक को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर उसका जो भी करंट बैलेंस था वो यहाँ पर शो अप हो गया। तो ये हमें कितना पैसा दे रहा है वो अमाउंट यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 50,000। ये मुझे 50,000 अमाउंट दे रहा है। मैं यहाँ पर आप देखेंगे हमारा अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पर शो अप हो गया। अगेंस्ट रेफरेंस किसके अगेंस्ट ये हमें पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट कर रहा है हमारा जो बिल पेंडिंग है उसके अगेंस्ट हमें ये पेमेंट कर रहा है, जिसका बिल अमाउंट है 88,500 रुपये। तो इसके अगेंस्ट हमें ये पेमेंट कर रहा है, हम इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे उसका जो करंट बैलेंस है वो 38,500 रुपये रह गया, और 50,000 रुपये उसने हमें पेमेंट कर दिए। यहाँ पर आपको रखना है डेबिट में क्या रखना है, कैश रखना है। कैश रखने के बाद आप इसको सिंपल एंटर करके सेव कर दीजिए। तो ये था हमारा न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट पेमेंट।
इन दोनों चीजों को मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इन दोनों का यूज किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा तो इसके बाद अगर आप अगेंस्ट सेल्फ रेफरेंस का यूज परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के अंदर करना चाहें तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आप एडवांस का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एडवांस का जो यूज किया जाता है वो आप किसी पार्टी से अगर एडवांस पेमेंट ले लेते हैं गुड्स के लिए तो उसको हम यूज करते हैं एडवांस में। तो उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा मैं वो भी आपको बता देता हूं। तो यहां पर मैं एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूं ऑडसी करके, एक न्यू पार्टी, जैसे मैं ले लेता हूं नाम अमन और इसको ऑन ड्राफ्ट डाल दूंगा मैं सेंडी डेबिटर के। सेंडी डेबिटर में डालने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल एंटर एंटर करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप अमन से कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं वो पैसा यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैंने दे दिया 50,000। 50,000 देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे उसका ऑप्शन यहाँ पर शो हो गया ऑन अकाउंट। यहाँ पर आपका ऑन अकाउंट शो हो रहा है, यहाँ पर आपको इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अपने आप नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको एडवांस को सिलेक्ट करना होगा, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट को, और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे उसका एडवांस जो बिल नंबर था वो 2 यहाँ पर शो अप हो गया, यानी सेकेंड एंट्री यहाँ पर पास हो रही है। आप इसे एंटर करके यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद डेबिट कौन हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है मान लीजिए हमारा कैश डेबिट हो रहा है, यहाँ पे कैश ले लेंगे हम लोग। कैश लेने के बाद आप इसे सिंपल एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए। तो ये पैसा हमने रिसीव कर लिया 50,000 रुपए एक्स्ट्रा एडवांस पे। तो ये था एडवांस का यूज। अब मान लीजिए जो हमने एडवांस पैसा रिसीव किया था उसका हम गुड्स उसको सेल कर देते हैं। तो हम चले जाते हैं F8 के अंदर। तो यहाँ पर हम अमन को सेल करके देखते हैं। सेल करने के लिए आपको यहाँ पर अमन को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर भी आपको एंटर एंटर करके नीचे आ जाना है। आपको सेल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप जाकर के आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। आइटम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए हम 3 पीस सेल कर रहे हैं 15,000 रुपए के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पर आकर के हम लोग CGST लगा देते हैं, अपना टैक्सेशन लगा देते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग SGST। तो जो अमाउंट था हमारा वो 53,100 का हमारा टोटल सेल हुआ है, और जिसमें कि 50,000 रुपये अमन हमें पहले ही दे चुका है। और उसके बाद हम इसे एंटर करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे न्यू रेफरेंस। तो यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर 2 के अगेंस्ट सेल कर रहे हैं, तो हम इसे एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर भी आपको एंटर प्रेस करना है और इसको भी एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। हम चले जाते हैं यहाँ से बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर जाने के बाद आप चले जाइए करंट एसेट्स के अंदर, और यहाँ से चले जाइए सेंडी डेबिटर के अंदर, और यहाँ पर आप अमन देखेंगे। अमन से जो हमें पैसा आप रिसीव करना है, आप देखेंगे 3,100 रुपये हमें उससे रिसीव करने हैं। बाकी का जो 50,000 रुपये उसने हमें दिया था वो एडजस्ट यहाँ पर हो चुका है। तो इसके लिए स्कैप करके पीछे आ जाइए। अब हमारा जो लास्ट रेफरेंस बचता है वो बचता है ऑन अकाउंट। अब हम ऑन अकाउंट रेफरेंस का यूज करके देखते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक दीपक पार्टी जो कि हमारा सेंडी डेबिटर है, और इससे मान लीजिए मुझे 38,500 रुपए लेने हैं, और इसने मुझे जो पैसा दिया है वो चेक के थ्रू दिया है। तो यहाँ पर 38,500 रुपए मैं टाइप कर देता हूँ, इतना पैसा मैं इससे रिसीव कर रहा हूँ। रिसीव करने के बाद इसे मैं रखूंगा एडजस्ट रेफरेंस ही रखूंगा। इसके बाद हम इसे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं किसके अगेंस्ट इसको पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ, तो बिल नंबर 1 के अगेंस्ट मैं इसका पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पर आपको ऑडसी करना है और यहाँ पर बैंक का लेजर बना लेना है, जैसे मैं बना लेता हूँ HDFC बैंक। और उसके बाद आप इसे एंटर करके अनड्रॉप डाल दीजिए बैंक अकाउंट के, और यहाँ पर आपको इसकी पूरी बैंक डिटेल फिल कर लेनी है। मैं इसको सिंपल अभी कंट्रोल ए करके सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद आप देखेंगे ये पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है। इसे यहाँ पर भी आप एंटर एंटर करके सेव कर दीजिए। दीपक ने मुझे पैसा दिया था चेक के माध्यम से, वो हमारा डिसऑनर्ड हो गया, और अब हम उसकी एंट्री किस तरह से पास करेंगे। तो इसके लिए हम चले जाएंगे F5 पेमेंट वाउचर के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद हमें सेलेक्ट करना है अपनी पार्टी का नाम, यानी दीपक को सेलेक्ट करना है। दीपक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अमाउंट डाल देना है 38,500 रुपए, और उसके बाद एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर आप रखेंगे इसे ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट रखने के बाद यहाँ पर आप क्रेडिट किसको करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे आप बैंक को। यहाँ पर बैंक का नाम ले लीजिए, और बैंक का नाम लेने के बाद आप देखेंगे आपके HDFC बैंक अकाउंट से अमाउंट जो था वो वापस 0 हो गया, और दीपक के पास वापस वो अमाउंट डेबिट हो गया। हम इसे एंटर करके सेव कर देंगे। तो ये था हमारा बिल वाइज बिल डिटेल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।